आदिशक्ति माँ मड़वरानी मंदिर, तो यहाँ भी हम लोग जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग को ऊपर चढ़ना है। तो गाइस हम लोग जो नीचे में मड़वरानी दाई का मंदिर है वहाँ घूम लिए। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, हम लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। यहाँ पर हरदेव नदी है और बहुत सारे बंदर भी थे यहाँ पर। खाई है पूरा, ये देखो ये है सबसे बड़ा मंदिर ना। जय माता दी। बहुत ही घना है भाई जंगल। तो वही सब है, आने में दिक्कत होती थी इसलिए नीचे में भी एक मंदिर बनाया गया है। और दोनों मंदिर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक ही है। तो गाइस सामने में आप जो पहाड़ देख रहे हो वो मड़वरानी दाई मंदिर वाला पहाड़ है। और हम लोग अभी कौन से गांव में है भाई? ये पुरेंदा। तो गाइस ये पुरेंदा गांव है, कंफर्म नहीं है क्या गांव है करके, नाम को लेने में प्रोनाउंस में थोड़ा दिक्कत होगा। ये पुरेंदा गांव का रेलवे फाटक है देख सकते हो। और हम लोग कोरबा के तरफ से आए हैं। कोरबा हो गया, सरगुंदिया हो गया, उसके बाद बरपाली, फिर पुरेंदा। पुरेंदा के बाद थोड़े से दूर बाद हम लोग को मड़वरानी दाई मंदिर के लिए चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस पहाड़ में। तो हम इस पहाड़ में चढ़ेंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे मड़वरानी दाई का, जो पहाड़ है उसका और मंदिर का। तो जो मड़वरानी है वो सरगुंदिया से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी जहाँ मैं हूँ ये रेलवे फाटक आप देख सकते हो, पुरेंदा करके एक बाबा जी बताएं हमको, यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे अब। और हम दोनों भाई हैं देख सकते हो, यो। तो हम दोनों भाई आज आए हैं मड़वरानी घूमने के लिए। तो फाइनली गाइस मैं मड़वरानी मंदिर है उसके नीचे में पहुंच चुका हूं, पहाड़ के नीचे में। अब यहां से हम लोग को ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ के लिए। और जो श्रद्धालु ऊपर नहीं चढ़ पाते उनके लिए एक और मंदिर बनाया गया है छोटा सा नीचे में, वहां भी मैं जाऊंगा। उससे पहले हम लोग पूजा का सामग्री ले लेते हैं, फिर ऊपर भी जाएंगे और नीचे का जो मंदिर है उसको भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो अपन का भाई है यहाँ पर और ये आप देख सकते हो, ये छोटा सा मंदिर है आदिशक्ति माँ मड़वरानी मंदिर। तो यहाँ भी हम लोग जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग को ऊपर चढ़ना है। जो मेन मंदिर है वो ऊपर में है। तो उससे पहले हम लोग मतलब मंदिर जाने से पहले चलिए पूजा का सामग्री ले लेते हैं पहले। मड़वरानी मंदिर है ना, छोटे से नीचे में बनाया है। ये है मड़वरानी मंदिर, हाँ सामने, हाँ पहाड़ किनारे है, हाँ दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंदिर पहाड़, हाँ नहीं ऊपर पहाड़ में है, हाँ मैं अच्छा यहाँ बनाए गए है, एक को भी आने जाए दुर्गा बात करेंगे। अच्छा देख सर दोनों मंदिर है कहते, हाँ ऊपर नीचे नीचे में बैठे ये भी ऊपर में बैठे, हाँ दोनों एक ही ठीक है ना।
नारियल ले ली, प्रसाद ले ले। इधर भी भगा। तो गाइस ये नीचे में जो मंदिर है मड़वारा निदाई का वो है, ऊपर नीचे दोनों तरफ बनाया गया है, ऊपर नीचे दोनों जगह बनाया गया है। जो श्रद्धालु ऊपर नहीं चढ़ सकते वो नीचे में पूजा कर सकते हैं। और मैं यहाँ पूछ लेता हूँ जा, चलिए जाना है ना भाई, जा सकते हैं। और नीचे से भी आने जाने वाले लोगों को दिखेगा, इसलिए नीचे में भी बनाया गया है एक मंदिर। ये आप देख सकते हो, जय श्री राम। राम भगवान तो है शायद ना, ये देखो कृष्ण भगवान, विष्णु, ये विष्णु भगवान है ऐसा। तो गाइस हम लोग जो नीचे में मड़वरानी दाई का मंदिर है वहाँ घूम लिए, ठीक है। अब हम लोग ऊपर जाएंगे, अपना भाई भी है देख सकते हो आप, तो चलिए चलते हैं अब ऊपर, ठीक है। और ऊपर का जो व्यू है वो आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, आधार करी कर पालन पोषण करी कर दही ठीक है। पर्वत वासिनी माँ मड़वरानी, खड़ी चढ़ान है आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ से हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर और बहुत डर भी लग रहा है, बोलूँ तो एकदम खड़ी चढ़ान है। आप सामने का व्यू देख सकते हो, कितना दूर है भैया यहाँ से मड़वरानी दाई, 1 किलोमीटर। तो मंजिल ज़्यादा तो दूर नहीं है, पर आप आए तो संभल के आए, देख सकते हो अभी वैसे संभल के ही आ रहे थे, हॉर्न बजाते। तो गाइस अब हम देख सकते हैं आप कि हम अब पहुंचने वाले हैं, यहीं पे सामने पे है पूरा दिखाई। और दूर है चलना, आपका 50 का नंबर।
तो गाइस यहाँ पूजा की सामग्री ले सकते हो और यह आप देख सकते हो मड़वा रानी ऊपर देखे दे। अरे भैया रे अरे बॉर्डर वहां मत ना भाई। अबे ठीक सारा मंदिर भी तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, हम लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सब पेड़ पर, और कोई कोई छीन के ले जाता है कैमरा वगैरह को। हाँ आप देख सकते हो कैमरा को छीन के ले जाते हैं इन लोग, तो संभल के रहिएगा, हम लोग तो ध्यान ही नहीं दे पाए। ऐसा लगा कि ये कुछ वो है, पता है तेरे को ये जो बंदर का पूछ देखा जरा। हाँ और ये आप नीचे का व्यू देख सकते हो मड़वा रानी दाई के पहाड़ के ऊपर से कैसा दिख रहा है, देखिए कितना घना है, जंगल ही जंगल है नीचे में। और ये जो नदी है क्या है, हसदेव नदी ना भाई, हसदेव नदी है। और यहाँ से कई लोग पैदल जाते हैं, तो अब हम जाएंगे बाइक पे ही, अपने पास है ना थोड़ा सा, थोड़ा अमीर है हम लोग, उतना भी गरीब नहीं है। तो गाइस मैं मड़वा रानी मंदिर के ऊपर पहुँच चुका हूँ, ठीक है, और आप देख सकते हो ऊपर का व्यू कैसा है। ये देखिए यहाँ पर हसदेव नदी है और बहुत सारे बंदर भी थे यहाँ पर, पेड़ में चढ़े हुए हैं इस पेड़ में, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कितना बड़ा जंगल है, और ये हसदेव नदी है, और यहाँ से थोड़ा दूर और ऊपर हम लोग को जाना है। तो आप देख सकते हो खाई है पूरा, ये देखो वहाँ से पूरा खाई है, यहाँ थोड़ा पत्थर भी है। तो चलिए चलते हैं अब, नहीं पैदल नहीं जाएंगे ना। थोड़ा धीरे चलाना ब्रदर ना। चलो 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 पहुँच ही गए ना, फॉर्म में खड़ा करेंगे, चलो यहीं पर खड़ा कर दो। एक थे दे, हाँ तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं मंदिर के, आप देख सकते हो, और यहाँ पर हम लोग बाइक को पार्क कर दिए हैं, पूजा के लिए सामग्री भी ले लिए हैं, अब चलेंगे ऊपर। और यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, डर लग रहा है कुछ को पकड़ के ना ले जाए। ये देखो, तो ये देखिए मंदिर, मतलब बंदर बोलता हूँ, ये देखिए मंदिर। किधर चले पहले, ये है सबसे बड़ा मंदिर ना। ले इस बार पूजा कर तू भाई, कर चल देना अंदर। अगरबत्ती इसी में जला लें दिए से, रख दे। जय माता दी। जा आज बहुत ज़्यादा नारियल खा लिए ना। काली माता, चला इस हाथ में बजाते हैं ना। नीचे का व्यू दिखाऊंगा, सबसे पहले मंदिर देख लेते हैं हम लोग। नवरात्र, मतलब कुत्ता से बहुत डर लगता है भाई, डॉग से
हम लोग कहाँ आ गए वैसे? ज्योति कक्ष। तो गाइस नवरात्रि के समय यहाँ पर दीप जलाया जाता है पूरा ज्योत। और अभी तो गंदा है नहीं नहीं यार। तो यहाँ से हम लोग नीचे उतर जाते हैं फिर। चला भाई। और अभी हम लोग यहाँ गए थे, अब इधर जाते हैं हम लोग, इसमें चले जाते हैं। ये देखिए तो गाइस देख सकते हो यहाँ से भी व्यू मड़वा रानी दाई मंदिर के ऊपर से। एक और जगह से मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ हमको जाने नहीं दिया गया, बोलते हैं फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते ना वीडियो ले सकते हैं। तो अपन और जो बचा है वो सब मंदिर को दिखाएंगा, ठीक है? आप देख सकते हो ऊपर का व्यू, ऊपर से जो ऊपी लग रहा है व्यू, आपको क्या बताऊँ, जल रहा है पैर वैसे ना। बहुत ही घना है भाई जंगल, इसमें डिस्कवरी वीडियो बनेगा बोलते नहीं। माँ मड़वा रानी हवन कुंड, और यहाँ भी दीप कक्ष है, ज्योति भवन। तो गाइस ज्योति भवन मतलब दीप कक्ष, जो दिया वगैरह जलाते हैं नवरात्रि के समय, वो दो है, यहाँ पर भी एक है। और देख सकते हो आप इधर है, ये देखिए आप, और ये भी है पर ये बंद है अभी। और यहाँ एक जने सो रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हो व्यू ओपी लग रहा है। तो गाइस ये जो मड़वा रानी दाई जो मंदिर है ना, ये पहले बहुत पहले से यहाँ था, ठीक है? बट यहाँ आने में सभी लोगों को परेशानी होती थी क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया था। बट अभी बहुत ही अच्छा बना दिया गया, रास्ता बना दिया गया, मंदिर बना दिया गया है। पहले छोटी सी एक प्रतिमा थी देवी माँ की, ठीक है? तो उसी को देख के जो ऊपर नहीं आ सकते, नीचे में एक और मंदिर बनाया गया मड़वा रानी करके, ठीक है? जो नहीं आ सकते थे ऊपर, जंगल वगैरह था, बहुत कठिनाइयाँ थी, और एक तो जंगली जानवर का भी दिक्कत रहता था लोगों को आने के समय, ऐसे करके पंडित जी मेरे को बताएं, उनको बोला तो बोले कि मेरे को उतना नॉलेज नहीं है ऐसे करके, तो वही सब है, आने में दिक्कत होती थी, इसलिए नीचे में भी एक मंदिर बनाया गया है। और दोनों मंदिर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक ही हैं, दोनों ही एक ही देवी हैं, ठीक है? पर ऊपर में आओगे तो आपको मस्त व्यू मिलेगा, जैसा कि मेरे पीछे में है आप देख सकते हो। तो ऐसे ही आपको मस्त ओपी ओपी व्यू मिलेगा। और अभी मैं जो दीप कक्ष है उसके ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ, और आप देख सकते हो कितना ओपी व्यू है। और घूमने के लिए तो हम लोग घूम लिए हैं, देखिए एक यहाँ पर मंदिर है बड़ा सा, इसके अंदर में हम लोग को नहीं जाने दिया गया। और यहाँ हम लोग घूम चुके हैं, ये वाला जो मंदिर है। जय माँ शेरा वाली। जय माँ शेरा वाली। चलिए बैठते हैं माँ मड़वा रानी हवन कुंड। कहाँ गिर भी हो रहे क्या जाबो चल बात आम अनुसार जा चल बे नहीं बोलो थे वीडियो ले लो क्या ले। मैं
बोले नहीं पा तो भाई दे 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 फेंक दे फेंक दे फेंक दे फेंक दे तो गाइस मैं बोलने ही नहीं पाया, उतने से बंदर लोग आ गए तो हम लोग बंदर लोग को खिला के अब घर जाएंगे और अपन बोलने ही नहीं पाए, इन लोग आ गए और देख सकते हो छोटा सा और बंदर है। बहुत खतरनाक तो गाइस बहुत खतरनाक है, हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाए। वो वाला बदमाश है, वो वाला लेके चला गया तुरंत। इधर लड़ाई हो रहा है इन लोग और मौसम भी ख़राब हो रहा है पानी गिरने के जैसे। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग बंदर को खिला दिए जो खिलाना था, चना लिए थे हम लोग तो खिला दिए गाइस। अब जाएंगे हम लोग घर और इन लोग देख रहे हैं कि और होगा करके। तो भाई नहीं है हम लोग के पास, अब हम लोग जा रहे हैं। और कैमरा वगैरह को तो और मोबाइल वगैरह को तो जल्दी से नहीं छीनते इन लोग, पर कोई भरोसा भी नहीं है। भैया बोले सिर्फ खाने का सामान छीन लेते हैं इन लोग करके। और आप देख सकते हो छोटा सा कितना प्यारा बंदर है लटका हुआ। हाँ तो थोड़ा